नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। ओडिशा, राजगांगपुर। राजगांगपुर में ब्रांडेड फ्रेट वैगनों का उद्घाटन। दक्षिण पूर्व रेलवे और डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड के बीच अपनी तरह की पहली अनूठी पहल। डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड और दक्षिण पूर्व रेलवे ने एक अनूठी पहल के तहत आज पहली कारपोरेट ब्रांडेड मालगाड़ी का उद्घाटन किया है। यह दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा निजी क्षेत्र के लिए पहली बार शुरू की गई एक ऐसा प्रयास है जहां कंपनियां अपने स्वयं के कैप्टिव स्थानों के लिए ब्रांडेड मालगाड़ियों की सवारी का लाभ उठा सकती है, जो नेटवर्क में दक्षता ला सकती है और व्यावसायिक निरंतरता सुनिश्चित करती है। DCBL और दक्षिण पूर्व रेलवे के बीच ऐसे 5 ब्रांडेड मालगाड़ियों के लिए समझौता हुआ है। 5 ब्रांडेड गाड़ियों में से पहली जो आज दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा DCBL को दिया गया और श्री छत्रसाल सिंह दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर के मंडल रेल प्रबंधक की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया। श्री वरिंदर कुमार मुख्य माल परिवहन प्रबंधक और श्री मोहम्मद ओबैस दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक माल विपणन के साथ श्री सुनील गुप्ता कार्यवाही निर्देशक पूर्व डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड उपस्थित थे। बाकी ब्रांडेड मालगाड़ियों की डिलीवरी जुलाई 2019 तक पूरी होने की उम्मीद है। इस अवसर पर श्री छत्रसाल सिंह ने कहा कि हम पहली बार निजी क्षेत्र की साझेदारी में इस पहल को शुरू करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। हमें खुशी है कि डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड सर्वसम्मति से बाहर आया और हमारे साथ साझेदारी करने वाला पहला कंपनी बना। डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड सन 1932 से अभिनव पहल के साथ भारत निर्माण में आगे है। रेलवे के साथ यह भागीदारी अहम है। इस तरह के भागीदारी से हम उम्मीद करते हैं कि उत्पादन की समय सीमा और परिवहन चुनौतियों को पूरा करने में सीमेंट निर्माताओं की लंबी समस्याओं को दूर करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है, ऐसा श्री सुनील गुप्ता जी ने कहा। राजगांगपुर से राजेश दाहिमा की रिपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.